मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले ऐड को कैसे बंद करें, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले इन सभी ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये किसी भी मोबाइल में कभी भी आ सकती है, चाहे आपके पास रेडमी का स्मार्टफोन हो, चाहे सैमसंग का हो, ओप्पो, वीवो या फिर किसी भी अदर कंपनी का हो, सब में ही ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करने का तरीका भी सिर्फ एक है और सभी स्मार्टफोन में एक ही तरीका काम करता है। तो वो क्या तरीका है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छे लगे, पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो कि नॉर्मली यदि आप अपने स्मार्टफोन में कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में ये ऐड आने बंद हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग बताऊंगा, अगर आपको ये काम कर जाए तब तो ठीक है, वरना आप मुझे नीचे कॉमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी सेटिंग भी बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं सब सेटिंग आपको बताने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर होकर चले जाएंगे और फिर इसके बाद वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को कोई भी लाइक नहीं करता है, ना ही कोई कमेंट्स करके बताता है। अगर वीडियो अच्छी नहीं बनती है तो मैं आपको अगली वीडियो में उससे और बेहतर जानकारी दूंगा, इसीलिए कमेंट्स तो जरूर करिए। अब मैं आपको बताता हूं आपको अपने स्मार्टफोन में करना क्या है जिससे कि आपके मोबाइल में आने वाले ये ऐड बंद हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में आना है सेटिंग में, तो ये मैं यहाँ से सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। सेटिंग को ऑन करने के बाद अब मैं आपको सिर्फ एक ही सेटिंग बताऊंगा, इसको आप सबसे पहले अप्लाई करिए, इसके बाद कमेंट्स करिए कि हाँ ये काम कर रही है या नहीं। सेटिंग में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें एक एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम एप्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। एप्स वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम एप सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाने के बाद सिर्फ एप्स वाले ऑप्शन में ही जाना है। एप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद अब यहाँ पर आपको मैनेज एप्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी और कंपनी का स्मार्टफोन है तो ये आपको डिफॉल्ट ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको बस यही दो ऑप्शन को सर्च करना है। यदि दोस्तों आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको बैक आना है और जैसे कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में आएंगे आपको यहाँ पर सिर्फ एप्स लिख देना है। देखिए जैसे कि मैंने एप्स लिखा तो ये मेरे सामने एप्स आ चुका है, मैं इसको ओपन करूंगा और वही सेटिंग हमारे मोबाइल में ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मैनेज एप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हम मैनेज एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुकी है। तो मेरे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है सभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो दोस्तों अब मोबाइल में बार बार ऐड क्यों आते हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप करते क्या है, आप गूगल पर जाकर कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल का डाटा लेती है और आपके मोबाइल में ऐड देती है। तो उस ऐड को ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी जैसे कि मैंने ये सेटिंग आपको बताई है मैनेज एप्स वाली, आपको इसमें आने के बाद एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढनी है जिसका ना तो नाम हो और ना ही लोगो हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन को ही ढूंढना है जिसका ना तो आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे और ना ही लोगो। जैसे कि यहाँ पर क्रोम दिखाई दे रहा है, इसका एक लोगो भी है और इसका नाम भी है। तो वो जो एप्लीकेशन होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल में ऐड आ रहे हैं उसमें ना तो आपको नाम दिखाई देगा और ना लोगो। जैसे कि हम मान लेते हैं ये वो एप्लीकेशन है जिसका ना तो नाम है और ना लोगो, तो आपको उस पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली अनइंस्टॉल करना है और इसको ओके कर देना है। तो ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगी, और जैसे कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल से डिलीट हो जाती है तो आपके मोबाइल में जो बार बार ऐड आ रहे थे वो आना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होता क्यों है, क्योंकि आप करते क्या है, आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करके गूगल से डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं है और उसकी कोई वजह ही होती है जब भी वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटाई जाती है। तो यदि आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो सबसे पहले आप उसको हटा दीजिए, अगर वो काम की नहीं है तो आपके मोबाइल में ये ऐड आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे बार बार कमेंट्स देखने को मिल रहा था, अगर ये तरीका आपके मोबाइल में काम नहीं कर रहा है तो अगले वीडियो में मैं इससे बेहतर तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करके जाइए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।